वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे गाइस। करते हैं एक और दिन की शुरुआत। आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था कि कल बहुत अच्छी हवा चल रही थी, रात में थोड़े से बादल हैं और धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बादलों के पीछे ना सूरज ढका हुआ है, दिखाओ कुछ इस तरीके से। तो फाइनली कस ऐसा ही मौसम रहे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यार जब गर्मी होती है ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि रात में लेट सोई थी। हमेशा ऐसा ही होता है, जिस रात को लेट सोती हूँ उसी दिन दूसरे दिन उठने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए। लेकिन यार मैं क्या करूँ, सुबह ये सारे काम हो जाते हैं, व्लॉग करना है तो फिर उसको एडिट भी करना है, फिर उसको एडिट करने के लिए रात चाहिए होती है, क्योंकि फिर दोबारा सुबह मुझे यही काम करना है, तो थोड़ा सा हो जाता है। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। और अभी फिलहाल लग गया मुझे भूख, और आज नाश्ते में अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया आज, तो जो भी खाना है आज मम्मी ने बनाया है, और आज बनी है हरी प्याज की सब्जी। तो मैंने मम्मी को बोल दिया है कि रायता जरूर बनाना, तो मम्मी ने रायता ही बना दिया होगा, तो अभी मैं नाश्ता करूँगी वही खा के और साथ में अपना स्प्राउट तैयार कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो इधर मैंने सारी चीज़ अपनी तैयार कर ली है, अपनी रोटियाँ रख ली हैं, रायता रख लिया है, और यह है आलू प्याज की सब्जी। अभी मुझे तैयार करना है स्प्राउट, क्योंकि यार इसमें आज टाइम लग गया। मम्मी ने प्याज और टमाटर दोनों काट के रख दिया। वाह, आज मैं लेट हो गई तो मम्मी ने मेरा काम भी कर दिया यार, सही है। और अभी और सच बताऊं ना, अभी 9:10 हो चुके हैं, अभी मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं, लेकिन मैं फिर भी खाना खा के जाऊंगी, क्योंकि जल्दी से इनको करते हैं पैक। आज तो मजा आने वाला है सच में यार ना, रोज रोज में तोरी घिया भिंडी बैंगन ये सब खा खा के ना सच में बोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आज कुछ सब्जी में अलग है। मैं तो अपना खाना लेकर आ गई इधर, और इधर आज फिर से मंदिर से प्रसाद आ चुका है यार। पूड़िया देख के यार रुका नहीं जाता, लाओ इसे ही दो, यही खाएंगे। अब पीछे मम्मी ने सारे कपड़े धो के अंदर ही डाल रखे हैं, मम्मी को बिल्कुल भी मौसम पर भरोसा नहीं है कि पता नहीं कब बारिश हो जाए। नाश्ता तो नहीं आज, पूरा खाना कर लिया, और सब्जी इतनी बढ़िया थी ना यार, मैंने चार पूरी खाई है। जल्दी से अपने लंच को रखते हैं बैग में, और ये रही दवाई। हाँ भाई दवाई ले रही हो, ये रख ले। और अभी मंदिर के दर्शन कंप्लीट कर लिया, और इधर आज मंदिर में होने वाला भंडारा, क्योंकि इधर आज मंदिर को 9 साल कंप्लीट हो चुका है यार। कितना बढ़िया मस्त मस्त भंडारा बनने वाला, बच्चे लगे हुए पूरी हेल्प करने के लिए यार। अभी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, सब्सक्राइबर ने दिया है, ये मुझे VIP कार्ड, ये वही VIP कार्ड है जिसमें अभी हम गए थे दुबई कार्निवल में, जो वहाँ गए थे वही मेरा अभी भी चल रहा है। तो अभी इसमें डायनासोर पार्क का पूरी एंट्री है, और ये पूरा VIP पास है जो उन्होंने मुझे दिया है। इसमें मैं 4 झूले झूल सकती हूँ और मेरी एंट्री फ्री होगी, बाकी वो क्या क्या होगा यहाँ जाके पता चलेगा। तो यार मुझे तो, मैं तो बड़ी खुश हो गई यार इसको मिलने के बाद में, सच में यार थैंक यू, आपने मुझे ये पास दिया, थैंक यू सो मच। सही है यार ये वाला पास मुझे मिल गया, क्योंकि यार मेरा एक बार जाने का और मन था, क्योंकि पिछली बार मैं पूरी फैमिली को लेकर गई थी तो मेरा इतना सारा खर्चा हो गया था ना कि मैं अपने लिए शॉपिंग कर ही नहीं पाई। और इस बार अगर मेरी एंट्री फ्री होगी, सबको झूले फ्री होंगे, तो यार बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। लेकिन यार सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक पास में बस एक ही बंदा जा सकता है, मतलब मैं अकेले जाऊँगी सिर्फ। 2 बंदों का पास होगा तो थोड़ा और ज़्यादा मजा आता है, लेकिन जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। मैं एक ही पास मिला मैं उसको बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब देखती हूँ मैं कब जा सकती हूँ, लेकिन इसमें सैटरडे संडे नहीं जा सकते, बाकी और किसी भी दिन जा सकते हैं, तो किसी भी ऑफिस से ऑफ होने के बाद यहाँ जाते हैं। फिलहाल मैं फिर से निकल आई हूँ एक बैंक के छोटे से काम के लिए, और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है यार, पूछो मत यार, देखा नहीं जा रहा था उसकी तरफ। अब यार मेरे से ही गलती हो गई, शाम के बज गए 4 और मैंने ये सुबह वाली दवाई अभी तक खाई नहीं। मुझे अब यार अब जाके याद आया कि यार दवाई रह गई, मैं भूल, मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ी, ये मैं सच में भूल गई हूँ, अब इनको खा लेती हूँ यार, याद आ गया तो। ये रहा मेरा प्रूफ, 2 टैबलेट इसमें से खा चुकी हूँ, 2 टैबलेट इसमें से, 2 टैबलेट इसमें से, मतलब एक एक खा ली है, एक रात में खाई थी, तो फाइनली मैंने अपनी एक दिन की दवाई कंप्लीट कर ली। लेटर दैट सेम इवनिंग भाई लोग मुझे फोर्सफुली वजन तोलने पर मजबूर किया जा रहा है, वजन तोलते हैं। हाय मेरा वजन
चलो यार कुछ तो बड़ा है मेरा, 45 समथिंग था, हाई 46 कुछ है। पहले मैंने चेक किया था कि मेरा कितना वजन है यार, मैं भूल भी तो जाती हूँ, पहले मैं चेक करती हूँ उसके बाद मैं दोबारा भूल जाती हूँ, जब मैं दूसरी बार के लिए चेक करने के लिए जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि पहले कितना था, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा पहले कितना था अगर मिल गया तो। बाकी अभी तो 46,300 कुछ तो बड़ा ही है। Two hours later. मुझे हो गया आधा डेढ़ घंटा ऑफिस से आए हुए, और मैं जब से लेटी पड़ी हूँ मुझे आलस आ रहा है। 9:30 बज गए, 9:30। मैंने वीडियो भी एडिट नहीं करी, मैं आज वाली वीडियो तो मैंने दिन में ही एडिट करी, सुबह और मैं इतनी देर से अपना टाइम पास कर रही हूँ। मैंने वीडियो भी एडिट नहीं करी, ना ही मैंने कुछ काम किया यार, खड़ी होती बहुत देर हो गई है। मेरे अंदर आलस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आलस है मेरे अंदर। कभी कभी जब काम करती रहो ना, जब कभी कभी लगता है, जब काम करती रहती हूँ ना जब लगता है करते रहो, और एक बार जहाँ मैं बेड पर बैठ गई और एक बार लेट गई फिर नहीं उठा जाता। अभी तो मैं अपना इतना ध्यान रख रही हूँ। और ये वाले ब्लॉग सारे सेल्फ केयर सेल्फ रूटीन जैसे मैंने कल भी बताया था वही वाला, इतना ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ कि आज तो मैंने अपना हेयर स्टाइल भी कुछ अलग बनाया था। दिखाई दे रहा क्या? पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, बट आज हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा अलग बनाया था। सिखाऊंगी अभी आने वाले टाइम में, अभी कुछ टाइम और आएंगे ऐसे ही खुद का ध्यान रखने के लिए ब्लॉग, और उसके बाद दिवाली के बाद फिर आया करेंगे कुछ ना कुछ सिखाने वाले, फिर उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाया करूँगी नई नई चीज़ें। दिवाली के बाद कुछ अलग होने वाला है, दिवाली तक इंतज़ार करो बस, दिवाली तक मेरे ये वाले ब्लॉग को झेल लो, क्योंकि खुद के अंदर चेंज लाने के लिए भी टाइम लगता है, तो मुझे अपने अंदर अगर चेंज लाना है तो वो एकदम से नहीं होगा। अगर मैंने आज सोचा है कि आज मैं ये सारे मतलब मैं ये आदतें अपने अंदर डालूंगी तो वो एक दिन में पूरा नहीं होगा, तो इसलिए उसमें लगेगा टाइम, कभी एक महीने एक हफ्ता भी लग सकता है, एक हफ्ते में तो नहीं होता खैर, लेकिन एक महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, और 3 महीने बाद वो सारी आदतें आ जाती हैं हमारे अंदर। तो अभी मेरा टाइम चल रहा है खुद अपनी अंदर उन सारी आदतों को डालने का, और जब वो सारी चीज़ें मेरी रूटीन में आ जाएंगी, जब मैं इन आलस से दूर हो जाऊंगी जैसे मैं अभी पड़ी हुई हूँ, फिर मैं और हाँ कुछ और भी होगा, कुछ नया होने वाला है दिवाली के बाद, कुछ नया हो जाना चाहिए। पता नहीं यार, पहले से अगर मैं सोचती हूँ ना तो वो चीज़ें होती रही है, बट कोशिश करूँगी कि दिवाली के बाद बहुत कुछ अलग होने वाला है। और तो जब दिवाली आएगी, दिवाली तक तो ऐसी रहेगा, जब दिवाली आएगी ना उसके बाद फिर हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, जब आप आया करोगे खुद आओगे मेरी वीडियो देखने के लिए। अब लेटे लेटे कितना टाइम पास कर रही हो आज आलस में। चने छोले में राजमा बहुत ज़्यादा है, मम्मी बोल रही तूने राजमा ज़्यादा डाला है इसलिए मेरे सर में दर्द हुआ कल, वो शायद दिक्कत कर रहा है राजमा, तो आज राजमा थोड़ा सा कम डालूंगी। बाकी सारी चीज़ें यार मेरी अभी इनमें से सिर्फ 3 चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें नहीं हैं। साबुत दाल लेके आनी है मूंग दाल की, वो अंकल के पास रहती नहीं, अब मुझे वो देखनी कहाँ मिलेगी। अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है तो अभी मैं कुछ भी नहीं खरीद रही ज़्यादा, कुछ मार्केट से नहीं खरीदती हूँ। मैंने हे पार्थ चलो तुम्हारे खड़े होने का समय आ गया है, आलस्य को दूर करो, अपने कार्य को करो। हे पार्थ उठो, उठो पार्थ उठो। हाँ उठ रही हूँ, उठ गई। चलो यार, चलो भाई पार्थ उठ चुका है, अब करेगा अपना काम, तो चलिए अपना काम शुरू करता है। Meanwhile, पहले अपने सारे लंच बॉक्स को ले जाते हैं और बर्तन धुलते जाके, कोई कहेगा कि ऑफिस क्या करने जाते हो, मैं खाना खाने जाती हूँ, तो वो कितने सारे लंच बॉक्स, और मेरी हालत देख के कोई कह देगा कि मैं तेरा सारा खाना खाती हूँ, अरे मैं फिर से फाड़ देती हूँ। काम हो चुके खत्म, और मैंने रख दिए यहाँ पे अपने थोड़े से राजमा डाले आज मैंने, और बाकी सारी चीज़ें है ये, और इधर मैंने आज कोन कतीर अलग डाला है और बाकी की ड्राई फ्रूट्स अलग डाले हैं, और इसमें मैं करने जा रही हूँ सुबह की तैयारी, क्योंकि सुबह मैं करूँगी हेयर वॉश, तो मैंने बना रखा है ये पाउडर, और ये पाउडर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताया था, इसमें बेसन कॉफ़ी हल्दी मसूर की दाल और 3-4 चीज़ें होती है जो मुझे खुद भी याद नहीं है इस टाइम पर, जैसे कि दालचीनी, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं अभी दही में डाल दूंगी, और ये सुबह तक इसमें जो मसूर की दाल है वो अच्छे से फूल जाएगी, फिर कल सुबह इसको सर में लगाएंगे। ये 1 चम्मच डालते हैं, 1 चम्मच काफ़ी है, काम ऐसे होते हैं जो
कल करने के लिए उन्हें आज ही कंप्लीट करना पड़ता है। अगर मैं रात में ये सब ना करूंगी ना तो कल का दिन पूरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर कल कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। इसलिए रात में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग इसको बोलते हैं, प्लानिंग। रात में करके सोओगे तो सुबह आसानी होती है। अब सुबह मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको लगाना है। इधर आई थोड़ी सी खीर, तो मैंने सोचा यार इसको खा लेती हूँ, क्योंकि नहीं मैंने कल रात में खाना खाया, नहीं मैंने परसों रात में खाना खाया, टीचर डे हो चुका है, मैं रात में खाना खाई नहीं रही हूँ, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो सारा लेजीनेस वाला ब्लॉग था, सारा लेजी, थोड़े बहुत ही काम किए, ज़्यादा काम नहीं किया। मुझे चाहिए मैं बिल्कुल एक्टिव रहूँ, बिल्कुल एक्टिव, मतलब जो मन करे मैं वो काम तुरंत करने चली जाऊँ, पता नहीं कब होंगी वैसे। तो फिलहाल वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर लेना, मेरे चैनल को कर लेना नहीं कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर सर्च कर लेना कहीं भी जाकर, मंजू प्रजापति ब्लॉग्स हर जगह मिल जाऊंगी। मिलते कल की वीडियो में, और हम फिर से उस मेले में जाने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे देखना पड़ेगा कब, क्योंकि कल है फ्राइडे, एकदम से प्लान नहीं बनेगा। सैटरडे संडे जाने सकते हैं, मंडे फिर देखते हैं। और इस बार मैं अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करूँगी यार, मैं पिछली बार शॉपिंग नहीं कर पाई थी। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। Star falls into the sky, the summer.